वालेकुम, आतिफ बंगश अपनी एक और एपिसोड के साथ। और आज मैं वही जो पीछे हमने एक वीडियो की व्हाट्सएप के हवाले से, तो उसमें अब बाज़ लोग उससे थोड़े से परेशान हैं कि प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट किया जाएगा और फिर आउट हो जाएगा। देखें, इसमें एक एस्पेक्ट हम ये भी सोच सकते हैं कि एटलीस्ट दीज कंपनीज जो भी व्हाट्सएप है या फेसबुक है, ये आप से कॉन्सेंट ले रही है और आपको बता रही है कि वो ये करने जा रहे हैं। अब बहुत से लोग जो है ना, वो ये सोच रहे हैं कि जी इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है, और कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिसमें हम जा सकते हैं या हम उनसे भी सेम इसी किस्म की सर्विसेज वगैरह हम ले सकते हैं। तो वो तो बेतहाशा हैं, वो तो यानी कि बहुत सारी ऐसी ऐप्स मौजूद हैं जिन पे आप ऑल्टरनेटिवली अपने यही सारे सर्विसेज उन पे कर सकते हैं। लेकिन देखा ये जाता है कि क्या वो जो ऐप्स हैं वो इस तरह कॉमनली और इस तरह हर किसी के पास अवेलेबल हैं या नहीं है। देखें, बिज़नेस टूल तभी कोई बनता है, बिज़नेस या सोशल टूल या कोई कॉर्पोरेट टूल उसी वक्त होता है जब उसका इस्तेमाल एक ख़ास हद से ज़्यादा हो जाए, यानी कि एक कॉमन टूल बन जाए। जिस तरह व्हाट्सएप इज़ एवरीवेयर, लाइक किसी किसी जिसके पास भी स्मार्टफोन आता है, जो ख़रीदता है, वो सबसे पहले मेरा ख्याल है 3-4 ऐप्स जो डाउनलोड करता है उसमें से एक ऐप व्हाट्सएप होती है। तो इस तरह वो यानी कि एक लाइफ स्टाइल, एक पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन ऐप क्रिएट हो जाता है। तो उससे एकदम शिफ्ट होना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन ये होता है कि जैसे जैसे आप, सबसे जो अहम चीज़ होती है ना, ये कोई भी किसी भी ऐप का कामयाब होना या उसका वो ये होता है कि कितनी जल्दी लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें सबसे अहम चीज़ ये होती है कि एक तो मार्केटिंग होती है कि आप मुख्तलिफ सोशल मीडियाज़ पे या जिस किसी भी उस पे ये देख रहे होते हैं कि एड्स वगैरह आ रहे हैं या ये। अब जब व्हाट्सएप की ये चीज़ देखिए हाइप क्रिएट हो गई ना, पहले भी हम यूज़ कर रहे थे और पहले शायद हमें कोई बॉदर ही नहीं करता था कि इसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं या क्या चीज़ नहीं है इसमें मौजूद है या क्या चीज़ इसमें मौजूद नहीं है। तो इस वजह से लोग अब एकदम, आपको मालूम है कि फेसबुक आप कहाँ कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, ट्विटर किधर किधर कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, आपकी सिक्योरिटी, आपके डेटाबेस, नहीं मालूम है किसी ने आज तक अभी। चलें, ये चीज़ पैदा हो गई, व्हाट्सएप ने ये बता दिया, हमने भी शोर कर दिया, बाकी ब्लॉगर्स ने, यूट्यूबर्स ने, सब ने शोर कर दिया और आप लोग परेशान हो गए। और अब क्या हुआ कि इससे दूसरी जो ऑल्टरनेट सर्विसेज थी उनके लिए बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी डेवलप हो गई, क्योंकि अब हो सकता है कि वो इस तरह की चीज़ें आम बिज़नेस एरिना में होती हैं कि आप एक को किसी भी एक चीज़ से वक्ती तौर पर उसको डैमेज कर दें और उसकी सेल्स और उसकी जो यूजेज है उसको कम कर दें, और उस जो भी पोर्शन जो आएगा उसमें आप अपनी प्रोडक्ट को एक ख़ास प्लेसमेंट करके उसमें सोसाइटी में इन कर दें। तो ये ऊपर कई लोग बिज़नेस लूज़ करते हैं, तो कई लोग उस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाकर उसमें अपने स्पेस क्रिएट करते हैं। तो अब यही होगा कि बहुत से लोग जाएंगे व्हाट्सएप छोड़ के और दूसरी जो ऐप्स हैं उनको इस्तेमाल करेंगे, तो लेकिन हो सकता है कि बाज़ लोग वापस आ जाएं, क्योंकि एक इस्तेमाल करने की आदत भी पड़ जाती है इंसान को। अब जैसे कि आप देखें कि फेसबुक जब आई थी और फेसबुक के जब बहुत ज़्यादा कामयाब होना शुरू हुई, तो बहुत सारे लोगों ने उसके क्लोन्स डेवलप करना शुरू कर दिए। लेकिन जब एक एक प्रोडक्ट एक ख़ास लेवल तक पहुंच जाती है ना, तो उसके क्लोन्स, उसके उसकी जो कॉपी प्रोडक्ट्स होती हैं वो इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी लोग, एक कॉमन बिहेवियर होता है कि लोग अगर एक चीज़ के साथ फेमिलियर हो गए हैं, यूज्ड टू हो गए, तो वो फिर वो उनका जो शिफ्ट है ना, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब आप इसको चाहे जिस तरह मर्ज़ी आप देख लें कि व्हाट्सएप से आप फेमिलियर हैं, उसके यूजेज से आप फेमिलियर हैं, आप उसके इस्तेमाल से आप यूज्ड टू हो चुके हैं,
तो अब ये देखना है कि आप लोग जो हैं पूरी दुनिया में या ख़ास हमारे रीजन में या किसी जगह में भी उससे शिफ्ट होके किसी दूसरी ऐप्स पे शिफ्ट होते हैं तो उनके उनके क्या क्या बिहेवियर होता है। तो अब ये चीज़ देखना है, इसमें ये भी देखें कि जिन चीज़ों से आप घबरा कर अपनी ये जो शिफ्ट करने जा रहे हैं तो क्या जो नई ऐप आप डाउनलोड करने जा रहे हैं क्या उसमें उसकी प्राइवेसी पॉलिसी भी पहले पढ़ लीजिएगा। और वो तो यानी कि छोटी मीडियम साइज़ कंपनीज़ हैं, यानी कि कदरे छोटी कंपनीज़ हैं, कई बहुत छोटी कंपनीज़ हैं, तो क्या वो वहाँ पर आपका डाटा कितना सिक्योर होगा, आपकी कितनी मैसेजिंग, आपकी फ़ोटोज़ कितनी सिक्योर होंगी, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि चलें ये तो इस वक्त जाइंट्स हैं फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह इस वक्त पूरी तरह और आपको बता भी रहे हैं, आपको कंसेंट दे भी रहे हैं, लेकिन अगर आप कोई और दूसरी ऐप यूज़ करते हैं जो कि आपको पता भी नहीं है किस मुल्क से है, कहाँ से है, और आप उनके डेटा सेंटर्स किधर हैं, आपके मैसेजेस कहाँ होंगे, किस तरह यूज़ होंगे, तो ये चीज़ आपको मेरा ख्याल है कि व्हाट्सएप से ज़्यादा कंसर्न आपका होना चाहिए कि जो जो सर्विस आप अब एज अल्टरनेटिव यूज़ करने जा रहे हैं वो कितनी सिक्योर है या नहीं है, और आप कितने ईगर हैं ये जानने के लिए कि क्या वो जो ये सर्विस है वो कितनी इनक्रिप्टेड है या नहीं है, तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह तो ये सारी आपको बहुत बेताशा ऐप्स नज़र आएंगी, जिसमें मैंने कल रिसर्च किया इस पर तो मुझे तकरीबन कुछ 21 के करीब ऐसी ऐप्स मिल गई जो मैंने लिस्ट डाउन किया जो वो आपको सेम सर्विसेज देती हैं अपने अपने लेवल पर, लेकिन अब वो कहाँ हैं, किधर हैं, कौन ऑन करता है, किस कंट्री में हैं, डेटा सेंटर्स किधर हैं, क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन होती है और जो बहुत ज़्यादा यूज़र्स जिस पे हो ना तो इसकी इसमें डाटा डेवलप हो रहा होता है बहुत तेज़ी से, यानी कि आप देखें ना जो फेसबुक में अगर आप देख रहे हो सोशल टूल है तो सोशल टूल में बिलियंस में लोग उसमें में चीज़ें अपलोड करते हैं, तो आपके डाटा वेयर हाउसेस बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, बड़े रोबस्ट होते हैं जो इस सारी चीज़ को पीछे कंट्रोल कर रहे होते हैं, और इसमें सिक्योरिटी एक अहम चीज़ है जो जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो नए टूल्स में शिफ्ट होने से पहले ये देख लीजिएगा कि वो जो नया टूल है वो कितना सिक्योर है, ये ना हो कि वो ऐसा टूल हो जो आपके दूसरे किसी नेबर से ही ऑपरेट हो रहा हो, क्योंकि आजकल तो आपको पता है कि इस तरह की स्किल्स और इस तरह के टूल्स बनाना वो इतना हर छोटी बड़ी कंपनीज जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत सारी कंपनीज बहुत छोटी कंपनीज भी इस किस्म की ऐप्स बना लेती हैं, और क्योंकि जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो आपका जो वर्ड ऑफ माउथ है वो सबसे बड़ा मार्केटर होता है, तो आपने अगर कोई सब स्टैंडर्ड कोई इनसिक्योर ऐप डाउनलोड कर ली तो आप अपने दोस्तों को अपने अजीज़ों को अपने सबको बताएंगे कि जी मैं यही यूज़ कर रहा हूँ, तो हो सकता है वो भी यूज़ करना शुरू कर दें, तो इससे एक जो है ना एक ऐसी प्रोडक्ट फैलना शुरू हो जाए जो वाकई में इस काबिल नहीं थी कि उसको फैलने दिया जाए। तो ये चीज़ें देखना बड़ा ज़रूरी है, तो मैं ये चीज़ें बताना चाह रहा था इस वीडियो में कि जब आप ऑल्टरनेट की तरफ जाएँ तो ज़रा सोच समझ के जाएँ, और ऐसा ना हो कि आप किसी और जगह पे अपना डाटा अपना जो चीज़ है वो ओपनली शेयर कर रहे हो। तो ये अब मैं जो एक से नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ना तो उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वो जो मैंने लिस्ट बनाई है 21 ऐप्स की तो उसके उनको उनके नेम्स में लिख दूँ। अब उसके बारे में रिसर्च करना जितना मैंने किया मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उसमें उसको मज़ीद इन डिटेल चेक करना वो आपका काम है, और आप फिर मुझे कमेंट्स में नीचे बता देना कि किसके साथ आपका एक्सपीरियंस अच्छा है या आप कौन सा रिकमेंड करते हैं कि इनमें से कौन सा ऐप जो है वो अच्छा रहेगा एज एन ऑल्टरनेट ऑफ व्हाट्सएप। अदरवाइज़ इफ़ यू आर हैप्पी विद व्हाट्सएप देन वाई शुड वी लीव दैट प्रोडक्ट।
ये चीज़ है। देखें अब डाटा तो हर कॉम्प्रोमाइज़ आपने करना ही करना है, अगर आप सोशल टूल्स में हैं, आप ऑनलाइन टूल्स में हैं, देयर आर मिलियंस ऑफ एप्स जो आपसे, लेकिन इसको कंट्रोल इसी तरह किया जा सकता है कि प्रॉपर हर कंट्री के लेवल पर जो डाटा के रूल्स हैं, जैसे यहाँ यूरोप में GDPR है, US में भी एक पूरा प्राइवेसी पॉलिसी और डाटा का आपको कंसेंट देना पड़ता है। आप इतनी आसानी से लोगों का अपनी, अगर आप अपनी कंपनी में, अपनी कंपनी वेबसाइट पे लोगों का डाटा ले रहे हैं, तो आपको इन अथॉरिटीज़ के साथ की लाइसेंसिंग लेनी पड़ती है। तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक पाकिस्तान में मेरा ख़्याल है इस किस्म की कोई वेबसाइट या कोई अदारा ऐसा नहीं बना जिनका जो ऐसा इम्प्लीमेंट करे कि आप हर वेबसाइट पे जो डेटाबेस गैदर कर रही हैं, जिनके अंदर कोई टूल ऐसा लगा हुआ है, जो सारी शॉपिंग वेबसाइट्स उसमें आ जाती हैं और वो आ जाते, इस तरह के ऐप्स बेतहाशा पाकिस्तान में बन चुके हैं लोकल लेवल पर, जो डाटा इकट्ठा कर रहे होते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि वो डाटा किस तरह यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा। क्योंकि देखें, जब आप, एक होता है कि आप विलिंगली डाटा दे रहे होते हैं, फॉर्म में अपना नाम पता एड्रेस वगैरह लिख रहे होते हैं, एक होता है कि टेक्नोलॉजी खुद फेच कर रही होती है आपका डाटा, ठीक है, आपके IP के थ्रू, आपके मैक एड्रेस के थ्रू, आपके और जो कम्युनिकेशन जो नेटवर्क आहिस्ता आहिस्ता माइक्रो होता जाता है ना, आपके आपकी ISP, फिर आपका जो लास्ट माइल कनेक्शन है, फिर आपका राउटर, फिर आपके आगे यूज़र्स, तो वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता माइक्रो हो जाती हैं, आप तक पहुंच जाती हैं। तो इस वजह से देखना ये होता है कि जो ऑटोमेटिक फेचिंग हो रही है आपके एरिया की, आपके मशीन की, वो भी कितनी सिक्योर है, तो उसके बारे में कोई लॉज वगैरह पाकिस्तान में अभी तक मुझे नज़र नहीं आए, अगर हैं तो मुझे बताइएगा कि अगर कोई ऐसे हैं तो अब जो भी जितनी भी कंपनीज हैं, जैसे हम बड़ी बड़ी कंपनीज पे जाते हैं, पाकिस्तान में मुझे कभी कोई मेरे से किसी वेबसाइट ने कंसेंट नहीं लिया कि आपका डाटा जो GDPR लाइसेंसिंग है या प्राइवेसी पॉलिसी है उसका ये, या कुकी पॉलिसी ये है। कुकीज़ क्या होती हैं? कुकीज़ एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी वेबसाइट, जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो वो डाउनलोड हो जाता है और आपकी इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, आपकी सारा कुछ जो है वो मदद दे रहा होता है एडवर्टाइज़र्स को, या मुख्तलिफ नेक्स्ट टाइम अब जब आप उस पे जाते हैं ना, उस वेबसाइट पे, जैसे आप अगर अलीबाबा पे गए हैं या अभी आप AliExpress पे गए हैं जैसे, तो आपने जो प्रोडक्ट्स चेक किए हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो उससे मिलती जुलती, या जो आपको एडवर्टीज़मेंट मेल में या आपको पॉपअप आना शुरू हो जाएंगे, वो वही आएंगे जिस किस्म की आप प्रोडक्ट्स देखते हैं, तो ये कुकीज़ कर देते हैं। तो इन चीज़ों का पता होना चाहिए ना, इसी वजह से कॉन्सेंट लिया जाता है कि प्राइवेसी पॉलिसी आपको मंजूर है या नहीं है, या आप कुकीज़ से अवेयर हैं या नहीं है। अगर आप किसी भी इंटरनेशनल वेबसाइट पर जाएँ तो आपको फौरन अलर्ट आएगा कि आप इसे ओके करें या डिक्लाइन करें, तो जब आप डिक्लाइन करते हैं तो कुकीज़ डाउनलोड नहीं होती और आपकी एक कॉन्सेंट चले आता है कि यू डू नॉट वॉन्ट टू गिव द एक्सेस टू योर मशीन। तो इस किस्म की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए मेरा ख्याल है, ठीक है। तो पाकिस्तान में कोई इसका लॉ वगैरह अभी मौजूद नहीं है, अगर बन चुका है या बन रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, तो फिर हम देखेंगे उस पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन सी ऑल्टरनेट ऐप्स सॉर्ट आउट की हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं एज अ मैसेंजर, एज अ ऑल्टरनेट टू व्हाट्सएप। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।